हेलो फ्रेंड्स पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो किसान भाइयों आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो वोट मतलब जो वोटर लिस्ट होती है उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मतलब पूरे विलेज की मतलब हम पूरे गांव की अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे पता करेंगे कि उसमें किन किन किसान भाइयों के हमारे नाम हैं मतलब जो वोटर लिस्ट में जो वोटर हैं वो किन किन के नाम हैं जो वोट दे सकते हैं किसान भाइयों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ जो पी मतलब जो प्रधानी के जो इलेक्शन आते हैं जो प्रधान इलेक्शन में होता है तो उसमें हम वोट देते हैं तो वो जो वोटर लिस्ट होती है वो अलग होती है और जो और जो बोर्ड पढ़ते हैं तो वो बोर्ड अलग होते हैं तो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से मात्र दो मिनट लगेंगे आपको डाउनलोड करने में तो डाउनलोड आराम से कर सकते हैं तो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपका नाम है या नहीं है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर तो किसान भाइयों मेरा नाम है राजू गंगवार आप दिख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे यहां पे कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो स्टार्ट दिए। दिए। यहाँ पे आना पड़ेगा देखिए ग्रामीण लिस्ट कैसे डाउनलोड करें यहां देखेंगे आप तो देखेंगे कुछ इस इंटरफेस पे आपको आना पड़ेगा तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सीधे यहां पे आ जाएंगे और आने के बाद में आपको इसको ओपन कर लेना है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ किसान भाइयों जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए मैं थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे आप ग्रामीण वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें तो मैं उससे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ देखिए यहाँ पे ग्रामीण वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें किसान भाइयों आप अगर ग्रामीण की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर डाउनलोड करना है ठीक है तो उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ये ज़रूरी नहीं है कि आप के पास वोटर आईडी है या आपका नाम लिस्ट में होगा ही चुनाव आयोग इस लिस्ट को अपडेट करता है और हो सकता है आपका यहाँ पे गलती से नाम कट गया हो तो जिसके कारण आप जल्दी से चेक कर लीजिएगा और तो चेक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे नाम है या नहीं है तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो क्या करेंगे आपको मैं बता देता हूँ अगर लिस्ट में नाम नहीं है जैसे आप चेक करते हैं तो अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अगर आपका नाम नहीं है तो साइज साइट पर मौजूद फॉर्म सिक्स भरकर भेज दें मतलब जो छः नंबर का फॉर्म होता है उसको भर के भेज देंगे तो आपका जो वोटर लिस्ट है मतलब जो आईडी है उसमें आपका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद में यहाँ पे आप उसको विजिट कर लीजिएगा इसको पढ़ लीजिएगा आपको क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना है और क्या क्या आपका सारा कुछ आपको यहाँ पे पता होगा कितनी आपकी उम्र है सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना है उसके तो बाद में देखेंगे जमा कहाँ करेंगे तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप यहाँ से जमा कर सकते हैं तो मैं आप यहाँ से बात करने वाला था कि आपको यहाँ पे वोटर लिस्ट जो है वो डाउनलोड कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए वोटर लिस्ट डाउनलोड करें आप देख रहे होंगे ये नीले नीले वो पीले रंग का आपको दिख रहा है तो इस पर ही आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीधे आप आ जाएंगे जहाँ से आपको जो वोटर आईडी है मतलब वोटर लिस्ट है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके तो बाद में किसान बाजू कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर जिस भी स्टेट से है तो उस स्टेट को आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी स्टेटें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी तो सपोज़ कीजिएगा मैं एक आपको स्टेट यहाँ पे चूज करके दिखा देता हूँ तो देखिए जैसे आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको आगरा का दिखा देता हूँ देखिए मैंने आगरा चूज़ कर लिया यहाँ पर विकासखंड जो भी आपका है उसको आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है करने के बाद में फिर यहाँ पे पूछा जाएगा मतदान का नाम तो यहाँ पे किसान भाइयों आपके लिए जो लिस्ट है वो पूरे ग्राम की आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे ये यह पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में देखेंगे एक स्पेस का ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्पेस हो जाएगा ऐसे ही आपको ये जो माता का नाम या पति का नाम हिंदी में तो यहाँ पे भी आपको स्पेस दे देना है देने के बाद में मकान जो संख्या है वो भी आपको नहीं देना है यहाँ पे भी आपको स्पेस दे, दे देना है स्पेस देने के बाद में किसान भाइयों आपके लिए जो कैप्चा दिख रहे हैं आपको इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करना है तो देखिए मैं यहाँ पर इस कैप्चे को फिल कर देता हूँ फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे ये फ़िल कर दिया है उसके बाद में आपके लिए देखिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ये इस प्रकार का देख लीजिए आप मैंने आपको दिखा दिया आगरा है बरेली है और यहाँ पे जो जिला पंचायत है आपने यहाँ पे भी यहाँ पे भी आपको चुनना है जो भी आपकी ज़िला पंचायत रहती है तो देखिए मैंने यहाँ पे चुन दिया है उसके बाद में यहाँ कैप्चा भी फिल कर दिया सारा कुछ फ़िल करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी एक इंटरफेस पर आपको ये लेके चला जाएगा तो किसान बाजू अभी ये ओपिन हो रहा है तो किसान बाजू देखिए जनपद आगरा है और विकासखंड वरेली बोरौली और अहिर पंचायत ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे देखिए मतदान का जो केंद्र है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और मतदाता की जो अगर पर्ची आप निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा इनका वार्ड नंबर क्या है क्रम संख्या मकान संख्या मतदान का नाम मिल जाएगा पति या पति और माता या पति का नाम आपको मिल जाएगा लिंक है, आई यू कितनी है या पंजीकरण मोबाइल करना चाहते हैं तो आप यहां से भी मोबाइल नंबर पंजीकरण भी कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं देखिए अगर आप पर्ची जो है वो आप यहां से अगर अपलोड करना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको पर्ची जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी और अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर रहेंगे फिर कैप्चा आएगा कैप्चा को फिल कर देना है जो मोबाइल नंबर हाँ डाला होगा उस पे एक OTP भेज दिया जाएगा और ओ भेजने के बाद में उसको वेरीफाई करके आप अपना जो मतदान है वो देख सकते हैं और अगर पूरी लिस्ट की आप की बात करें प्रिंट लेना चाहते हैं तो देखिए ऊपर की साइड में आपका प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे तो बेस्ट किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपसे डाउनलोड नहीं होता है और आपको कोई भी यहाँ परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा और ये सिर्फ यूपी वालों के लिए थी बाकी और स्टेड उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा मैं आपको अप की जो स्टेट है उसके बारे में भी, भी आपको यहाँ पे बता दूँगा कि आपको कैसे यहाँ पर डाउनलोड करना है तो बेस्ट किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद